हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन्स रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे दही बैंगन, जो खाने में बड़ी टेस्टी लगते हैं। उनको बनाना भी बहुत आसान है, और हम इसे बनाएंगे भरवा स्टाइल में। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन्स रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और सुपर टेस्टी दही बैंगन की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम करेंगे, हमने लिए हैं बैंगन। इनका वजन है 300 ग्राम, और बैंगन आपको जो लेने हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये देखिए, इस तरीके के जो बैंगन होते हैं इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ये देखिए कलर, आप इनका इस तरीके का जो कलर होता है वो बैंगन का टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। उस पर होते हैं कांटे, और इनको बोलते हैं देसी बैंगन। तो आपको बस क्या करना है, ये बैंगन के जो कांटे हैं ये अच्छे से इसे छील लेने हैं। जिस तरीके से हमने ये देखिए छील लिए हैं, सारे अच्छे से कांटे इस पे से निकाल लिए हैं, और पानी में डाल दें। उसके बाद लगाना है इनमें इस तरीके से बीच में चीरा, पूरा नहीं काटना है। ये देखिए इस तरीके से चीरा लगा के एक बार चेक कर लें कि कहीं से ये काना तो नहीं है, और इसमें कोई लट वगैरह या कोई तो नहीं है। तो बस इस तरीके से चीरा लगा के सारे बैंगन इसके अंदर हम पानी में छोड़ देंगे। दूसरा भी हम लगा लेते हैं। ये देखिए कितने साफ सुथरे आते हैं, और ये इनका चांस कम होता है कि ये खराब निकले। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, 2 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम करीब 2 से 3 तेज पत्ते, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, इसी में 10 से 12 डालेंगे काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हम दालचीनी, 5 से 6 लौंग, और साथ में डालेंगे इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ, इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब इसमें हमारे बैंगन पानी अच्छे से निकाल कर डाल देंगे, और इसको हम करीब 2 मिनट इस पर चला लेंगे अच्छे से। इसमें मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट ऐसे चलाएंगे इसको। तो 2 मिनट जैसे ही चला लेंगे, उसके बाद बस डाल देंगे हम इसमें नमक, और नमक डालने के बाद एक बार मिला लेंगे इसको, इनको। और अब इसमें डाल देंगे करीब हम 200 ml पानी, डालने के बाद एक बार अच्छे से इसको चला लेंगे, और गैस कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पर, और इसको हम ढककर रख देंगे पूरे 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। मीडियम लो फ्लेम पर रखे हुए पूरे 7 मिनट हो गए, मैंने आपको 5 मिनट बोला था, लेकिन आपको उतनी देर इसे रखना है जितनी देर हमने जो पानी डाला है वो आधा नहीं हो जाए जब तक। तो ये आधा हो गया है हमारा पानी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, गैस तो कर देते हैं बंद, और जो बैंगन है हमारे, इन बैंगनों को इस तरीके से निकाल लेंगे। बैंगन हमने अलग निकाल लिया, और ये बैंगन का पानी अलग निकाल लिया, और इधर गैस पे चढ़ा दिया हमने वापस साफ करके वही कढ़ाई, और 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल। तो तेल को होने देते हैं थोड़ा सा गर्म, गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा तड़का लगने देते हैं जीरे को। जीरे को जैसे हल्का सा तड़का लग जाएगा, जलाना नहीं है हमें, मीडियम साइज ही करना है, और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हींग, इसको भी थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम करीब 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और अब प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, हल्की गोल्डन ब्राउन ही करनी है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है प्याज को। इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, ये सिर्फ 5 से 10% ही तीखी होती है। अच्छे से मिला लेंगे, और फिर डाल देंगे हमने यहाँ लिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बारीक काट लिए हैं, और ये भी इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। नमक हम एक्चुअली काफ़ी डाल चुके हैं, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से घुल जाएंगे। तो मिला लेते हैं,
हल्का सा अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम दही और इसको चलाते रहेंगे हम जब तक इसके अंदर बबल नहीं आएंगे, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए ये बबल आ गए हैं, गैस कर देते हैं हमारी लो फ्लेम पर और इसमें अब डालते हैं हमारी तीखी वाली लाल मिर्च 1 टीस्पून। मैं थोड़ा तीखा ज़्यादा ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी 1 छोटी चम्मच। एक बार मिला लेंगे और साथ में ही डाल देंगे इसमें चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, मिला लेंगे और मिलाने के बाद में ये हमने जो बैंगन में से पानी निकाला था तो ऑयल भी इसमें ही है, पानी भी इसमें ही है और सारे मसाले भी इसमें ही है, डाल देते हैं इसमें और अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। हमने इसको 5 मिनट अच्छे से चला लिया है और अब इसमें डाल देते हैं हमारे बैंगन। अगर आपको और ज़्यादा थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो आप इसे 5 मिनट की जगह आप इसे 10 मिनट चला सकते हैं, तो ये और जो इसमें पानी है वो जल जाएगा, लेकिन ये मज़ा आना है क्योंकि वो अच्छे से इसके अंदर जानी चाहिए जो ग्रेवी है बैंगनों के अंदर तक, इसलिए थोड़ा सा आप इनको इसे दबा दें जिससे अंदर तक ग्रेवी चली जाए। ये इस तरीके से दबाने के बाद में अब इसमें डाल देंगे हम काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ धनिया 20 से 30 ग्राम और ये डाल देंगे हमारा गरम मसाला तंदूरी वाला 1 छोटा चम्मच। इसकी जो रेसिपी है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया है। और गैस को कर देंगे यहाँ पर लो फ्लेम पर और लो फ्लेम पर फाइनली इसको ढककर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और एक बार इसको मिला लेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना ये आपके नीचे ग्रेवी लग जाएगी। वाह, बड़ी सुंदर सुशील सी खुशबू आ रही है, आपको मुंह में पानी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे बैंगन बनकर तैयार है दही वाले, तो फ्रेंड्स दही वाले बैंगन वो भी भरमा। तो फ्रेंड्स दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं आप गैस कर देते हम बंद और थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, देखिए कितने सुंदर बैंगन है। तो फ्रेंड्स दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है उसे खाकर ख़त्म करते हैं।